दुनिया भर के देशों के साथ साथ भारत में भी कोरोना वायरस के मामले तेजी से अब बढ़ते जा रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 1.5 लाख के पार हो चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में गुरुवार सुबह 8 बजे तक कुल 1,58,333 मामले सामने आ चुके हैं। भारत में कोरोना वायरस के कारण मौतों की संख्या 4,531 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में फिलहाल 86,110 एक्टिव मामले हैं, जिनका इलाज अस्पतालों में चल रहा है, तो वहीं 67,692 मरीज ठीक होकर अस्पतालों से डिस्चार्ज हो चुके हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो यहां पर कोरोना वायरस से 97 मौत होने की जानकारी मंगलवार को सामने आई, जो कि एक दिन में सबसे ज्यादा थी, और 2,091 नए मामले भी सामने आए। ये जानकारी एक स्वास्थ्य अधिकारी ने दी। अधिकारी के मुताबिक इनमें से 39 मौतें अकेले मुंबई शहर में हुई हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य में कोविड-19 से होने वाली मौतों की संख्या बढ़कर 1,792 हो गई है, जबकि कोरोना वायरस के कुल मामले बढ़कर 54,758 हो गए हैं। गुजरात की बात करें तो यहाँ कोरोना वायरस के अब तक 15,195 मामले सामने आए हैं। यहाँ कोरोना के कारण अब तक 938 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, तो वही 7,549 मरीज ठीक हो चुके हैं। दिल्ली की बात करें तो यहाँ कोरोना वायरस के अब तक 15,257 मामले सामने आए हैं। यहाँ कोरोना से मौत का आंकड़ा 303 तक पहुँच गया है। दिल्ली में 7,264 मरीज इससे ठीक हो चुके हैं।